हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में, और आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो फाइनली रिलीज कर दिया है सभी कोर्सेज का, ठीक है। ये 24 तारीख को ही आया था, यानी कल आपका आ गया था। मैंने वीडियो के माध्यम से बता रखा था कि कौ तारीख को आपका जो आपका पहला मेरिट लिस्ट है वो आएगा, और फाइनली आपका कल आ चुका था और शाम के 6 बजे इन्होंने रिलीज कर दिया था पहला लिस्ट। अब आपको फ़ीस पेमेंट वगैरह करना है, तो आपको फ़ीस पेमेंट आपको जो भी फीस पेमेंट करना था वो 24 तारीख को 10 बजे रात से आपको करना था, और 26 तारीख है सुबह में 10 बजे से पहले कर लेना है। यानी आज 25 तारीख है, तो कल सुबह में 10 बजे से पहले जो भी पेमेंट है कर लीजिएगा। अगर जो लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और उनका जो सीट होगा नेक्स्ट राउंड में दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा, जो 26 तारीख को ही 6 बजे के बाद वो लोग रिलीज कर देंगे आपका सेकेंड लिस्ट, ठीक है। इनका जो एडमिशन रहता है ना, काफ़ी फास्ट मोड में चलता है, इसलिए जो भी करोगे सोच समझ के अपना जो भी करना फीस वगैरह कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब लिमिटेड टाइम दिया जाता है, और आपका यहाँ पे लिस्ट आ जा रहा है तो आप यहाँ पे फीस पेमेंट वगैरह कर दो। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे अपना सीट जो भी है सिक्योर कर दो आप, मतलब काफ़ी लकी हो जाओगे यहाँ पे जिनका जिनका एडमिशन हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही मैं बोल देता हूँ। बाकी कैसे आपको लिस्ट चेक करना है, जो लोग अभी तक लिस्ट नहीं चेक किए वो हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको जो शेड्यूल था वो समझ चुके हो फीस वगैरह से रिलेटेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, फीस भी पेमेंट कैसे करना है वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फेज़ वन, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। कॉल लिस्ट एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ब्लू वाला जो है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ अलग पोर्टल आपको दिखेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, टाइम लग रहा है खुलने में। यहाँ पे आने के बाद आपको ये एफिडेविट एंटी रैगिंग है, इसमें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी आपको जो फीस वगैरह का काम है ये कर लीजिए, बाद में ये एंटी रैगिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट कॉल लिस्ट एडमिशन शेड्यूल है, तो कॉल लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक अलग पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद आपको कॉल लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है कि कॉल लिस्ट वन में यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा फेज़ कौन सा है, फेज़ वन आपका चल रहा है, और शिफ्ट कौन सा आपको, कौन से शिफ्ट में आप अप्लाई किए वो देख लेना, ठीक है। मैं एक का बता देता हूँ, बाकी जो चेक करना होगा वैसे ही आप चेक कर लीजिएगा, सिंपल सा है। तो मान लीजिए मुझे मॉर्निंग करना है, तो मॉर्निंग में कौन कोर्स ऐसा आपको दिखेगा, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स है 4 साल वाला। उसके बाद आपको सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पर जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। जनरेट करने के बाद आपको क्या होगा कि कैटेगरी वाइज आपका जो भी सिलेक्शन होगा दिख जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो जिनको सिलेक्शन हुआ है, तो एक कैंडिडेट है उनका जो सिलेक्शन हुआ है 299 जो ये था यूआर रैंक आप देख सकते हो, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे, और इनका लगभग इंडेक्स 245 था, और रिलेटेड सब्जेक्ट 89 पे इनका हुआ है। यहाँ से लॉगिन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑन रिजर्व का आप देख सकते हो, ऑन रिजर्व का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। ये डेट आप देख लो 24 तारीख रात के 10 बजे, यानी कल से ये स्टार्ट है पेमेंट, और कल तक यानी आने वाला कल 26 तारीख सुबह में 10 बजे तक आप कर सकते हो। ये आपका सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो रैंक वन से लेकर कितना तक हुआ है आप देख लो यहाँ पर, तो देख सकते हो। ऑन रिजर्व वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ कितना रैंक तक का अभी हुआ है, 48 रैंक वालों तक का हो गया। लास्ट सोलूनी सिंह जो है उनका है जनरल 264 जो इंडेक्स मार्क्स है, और यह 48 रैंक तक का हुआ है। अब बाकी यहाँ पे जो एडमिशन नहीं लेंगे तो ये 48 के बाद जो रैंक है उनको अलॉट किया जाएगा। इसमें से मान लीजिए आधा सीट बच जाती है तो फिर आधा इसमें से जो सीटें बच जाएंगी जो पेमेंट नहीं करेंगे फिर कर लिया जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका सीट कन्फर्म नहीं होगा, और आपको ये जब पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका जो सीट रहेगा कल यानी जो 6 बजे अलॉट होगा वो दूसरे को अलॉट कर देंगे। एससी का देख सकते हो, एससी में रैंक 13 से लेकर कुछ एससी का है, कुछ कुछ रैंक है, आप यहाँ पे आप अपना देख लो, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। बाकी आप मॉर्निंग के बाद आपको आप डे वाले में देखना है तो डे में देख लो कौन सा कोर्सेज है। बीबीए के लिए आपको देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जनरेट कॉल लिस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका कुछ अनरिजर्व का ऐसे आ रहा है, रैंक कितना से कितना तक हुआ है, 24 रैंक तक का हुआ है अनरिजर्व। एससी का आप देख सकते हो ऐसे ही हुआ, ठीक है। वो भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैं बैक आ जाता हूँ। फीस कैसे पेमेंट करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। लॉग वहाँ से भी आप लॉग इन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप स्टार्टिंग में आओगे तो यहाँ पे एडमिशन फीस पे करना है। पे एडमिशन फीस करने के बाद स्टूडेंट आईडी जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो स्टूडेंट आईडी होगा वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड जो डाले होगा वो डाल लेना, और यहाँ पर जो भी
सिक्योरिटी दे रहा है 7427287, आपका कुछ अलग देगा तो वो कर सकते हो। यहाँ पे करके लॉग इन करिएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट भी कर लो, अगर स्टूडेंट आई डी भी मिसिंग है तो स्टूडेंट आई डी भी यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी आप चेक कीजिए जिनका जिनका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, फीस वगैरह जो भी पेमेंट करना है कर सकते हो। बाकी मैंने प्ले लिस्ट में बात कर रखा है, प्ले लिस्ट वाला सेक्शन देखिएगा स्कॉटिश चर्च कॉलेज का, उसमें मैंने फीस वगैरह से रिलेटेड बात किया कि इतना फीस आपको देना होता है, वो चीज़ें आप देख लेना कितना फीस आपको पेमेंट करना होगा। बाकी सेकेंड लिस्ट जैसे ही आएगा कल मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो जिनको जिनको करना है कर लीजिए, नहीं तो कल 10 बजे के बाद से आपका जो सीट होगा दूसरे को अलर्ट कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए बाद में बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, होप ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए बाय, ऑल ऑफ यू।